हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का कंटेंट बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। मैं बहुत प्रभावित हूँ इस टॉपिक से, और ये टॉपिक हम सबके लिए काम करने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो के देखने के बाद में जरूर प्राउड फील करेंगे। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं, हम अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, हम उन्हें अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, वो ये है कि आखिर हमारे बच्चे हमारे जैसा क्यों नहीं बनना चाहते, आखिर हमारे बच्चे हमें फॉलो क्यों नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अगले 2 से 5 मिनट तक। दोस्तों, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। ये सब सपने उदा होते ही होते हैं, लेकिन धीरे 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 जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसके सपने छोटे होने लगते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके सपने खत्म हो चुके होते हैं। यदि हम सही मायने से देखें तो हम ऐसा नहीं चाहते थे, और ना ही हमारा बच्चा ऐसा चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ। उसके पीछे जो कारण है, वो उन कारणों पे आज मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर वो कारण क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप अगर हम देखें तो हमारे बच्चे हमारे जैसा क्यों नहीं बनना चाहते हैं, इसके पीछे 2 मुख्य कारण नजर आते हैं। सबसे पहला कारण एक कि वह हमारी आदतों से इम्प्रेस नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है इसकी, बात इस बात का अर्थ क्या है कि हम अपने जीवन में, हम अपने बच्चे को जो काम बोलते हैं वो हम स्वयं फॉलो नहीं करते। हम बच्चे को कहते हैं बेटा टीवी मत देख, पर हम रात को 8 बजे आते हैं और सबसे पहले टीवी का स्विच ऑन करके बैठ जाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि बेटा मोबाइल नहीं देखना चाहिए, और हम 2 घंटे बैठ के मोबाइल पे व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे होते हैं, फेसबुक चैटिंग कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे होते हैं। हम अपने बच्चे को कहते हैं बेटा ये काम मत करो, और वही काम हम स्वयं करते हैं। तो बच्चा ये धीरे धीरे ये चीजें देख लेता है, ये समझ लेता है, बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है कि इसकी कथनी और करनी एक नहीं है। ये जो कहता है वो करता नहीं, इसलिए जब ये कहता है वो करता नहीं, तो मुझे भी जो कहना है वो करना नहीं है। और यही वजह है कि बच्चा जो है वो आपको फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आदतों को, आपकी बैड हैबिट्स को साथ में देखता है। जब आपकी बैड हैबिट्स को वो देख रहा होता है, तो उसके माइंड में एक सीधा मैसेज आता है कि जब पापा मम्मा नहीं करते हैं तो मैं भी क्यों करूं। तो दोस्तों, इसलिए वह उन लोगों को फॉलो करता है जिनको वह नहीं जानता है, उनके केवल आउटर करेक्टर को देखता है, उनके आउटर करेक्टर को देखते हुए उनको पसंद करने लगता है, और उनको पसंद करते ही उनको फॉलो करने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा भी आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो एक है कि आप अपनी आदतों को ठीक करिए। जो आप कहते हैं वो आप स्वयं भी करिए। यदि आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने में। दूसरा, आपके अवगुणों को वो अपने सामने देखता है, रोज देखता है, आपके काम करने के तरीकों को रोज देखता है। आप अपनी पत्नी से बात करते हैं तो वो देखता है, आप अपने पड़ोसी से बात करते हैं तो वो देखता है, वो आपको अपने रिश्तेदारों से बात करता है तो वो देखता है, वो अपने एम्प्लॉई से बात करता है तो वो देखता है। वो हर व्यक्ति को देखता है जो उसके माँ बाप उसके परिवार में किया जा रहा होता है, और जब वो उनको देखता है तो उसका कारण बन जाता है कि वो उनके जैसा नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो अपने आप को बेहतर तरीके से देखना चाहता है। भले वो ऐसा बन जाए वो बात अलग है, लेकिन शुरू में वो अपने आप को फॉलो करता है, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को फॉलो करता है। दोस्तों, यदि आप बच्चे को बेहतर तरीके से डेवलप करना चाहते हैं, तो इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को ऐसी बातें सिखाएं जो आप स्वयं करते हैं, ऐसी आदतों पिलाएं जो आदतें आपके अंदर स्वयं हैं। यदि आपके अंदर स्वयं आदतें नहीं है, तो आप अपने अंदर उन आदतों को डेवलप करिए। उन आदतों को जब आप डेवलप करने लगेंगे, तो बच्चा आपकी उन आदतों को देखते हुए डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए बहुत जरूरी है, यदि आप अपने बच्चे को अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसको अच्छी आदतों पे फॉलो कराइए, उसको अच्छे रास्ते पर चलने के लिए बात करिए। आप देखेंगे आपके बच्चों के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों को एंटरटेन करें, उनको समय दें, उनको सही तरीके से डेवलप करें। आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुना, देखा, समझा। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।